दो। पिछले वीडियो में हमने फूलों के तरह तरह के इस्तेमाल के बारे में जाना। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम मधुबनी चित्रकला और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। बिट्टू और दादाजी ने माँ के बनाए गोभी के फूल के पकौड़े खत्म कर दिए। अच्छा बिट्टू, आओ अब चलकर बाजार से फूल लेकर आते हैं। अच्छा दादाजी, चलिए। अरे बिट्टू, अपना झोला तो ले लो, नहीं तो फूलों की माला को पहनकर लाना पड़ेगा। क्या तुमने कभी किसी को फूलों की माला पहने हुए देखा है? तुमने कभी सोचा है फूलों की माला कौन पहनते हैं और क्यों? बिट्टू और दादाजी बाजार में फूलों की दुकान ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने कभी फूल बेचने वालों को देखा है? दादाजी वो देखिए, पीला गुलाब का फूल है ना दादाजी? अरे बिट्टू, वो गुलाब का फूल नहीं है, वो तो गेंदे का फूल है। क्या तुमने ये पहले कभी नहीं देखा? बिट्टू इस बारे में सोचने लगा। तुम कितने फूलों को पहचान सकते हो और उनके नाम बता सकते हो? हाँ दादाजी, अब मुझे याद आया, बिल्कुल ऐसा ही फूल मैंने मीनू के घर में दीवार पर बना देखा है। पर दादाजी, मीनू के पापा ने दीवार पर वो फूल क्यों बनवाया है? बिट्टू, ऐसे चित्रों से दीवारें खूबसूरत दिखने लगती है और कुछ जगहों पर तो लोग त्योहारों में दीवार पर फूलों के चित्र भी बनाते हैं। जैसे कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, वहाँ लोग त्योहारों में दीवारों पर और आंगन में एक खास तरह का चित्र बनाते हैं। इस चित्र को मधुबनी कहा जाता है और इस चित्र को बनाने के लिए खास तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, किस तरह के रंग दादाजी? इन रंगों को बनाने के लिए बहुत सी चीजें जैसे नील, हल्दी और फूल पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन रंगों को पीसे हुए चावल के घोल में मिलाकर दीवारों पर मधुबनी का चित्र बनाया जाता है। दादाजी, इस चित्र में लोग कौन कौन से फूल बनाते हैं? बिट्टू, वो लोग इस चित्र में बहुत तरह के फूल बनाते हैं और फूलों के साथ साथ वो इस चित्र में पेड़, जानवर, पक्षी और जीव जंतुओं के भी चित्र बनाते हैं। क्या तुमने कभी दीवारों पर या कपड़ों पर ऐसे चित्रों को देखा है जिन पर फूलों के डिजाइन बने हों? दादाजी, ये चित्र तो बहुत सुंदर लगता होगा, क्योंकि इसमें इतने सुंदर फूल जो होते हैं। हाँ बिट्टू, ये वाकई बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ फूलों के जंगल होते हैं। सोचो वो जगह कितनी खूबसूरत दिखती होगी। सच दादाजी, ऐसी कौन सी जगह है? उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। इस घाटी में फूल साल में एक ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। बिट्टू सोचो,
अगर तुम ऐसी जगह पर पहुंच गए तो क्या करोगे? दादाजी, मैं तो ढेर सारे फूल तोड़कर अपने पास रख लूंगा। अरे नहीं बिट्टू, हमें बेवजह फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। पेड़ों में भी जान होती है, इसलिए हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? क्या इस तख्ती के लगे होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? तुम्हें क्या लगता है, वो ऐसा क्यों करते होंगे? दादाजी, अब मुझे समझ आया कि हमें बेवजह फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अरे बिट्टू, ये लो, अपनी फूलों की दुकान आ गई। चलो वहाँ चलकर फूल लेते हैं। हाँ, पर दादाजी, मैं तो झोला लाना भूल ही गया। फिर तो बिट्टू तुम्हें माला पहनकर ही जाना पड़ेगा। बिट्टू और दादाजी दोनों मिलकर हंसने लगे। सारांश: इस वीडियो में हमने मधुबनी चित्रकला और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में जाना।